हमें विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से 3 टैंकर्स आज उपलब्ध हो रहे हैं। हर टैंकर की जो क्षमता है वो 15 मेट्रिक टन है, तो हमें लगभग 45 मेट्रिक टन का जो ऑक्सीजन है वो आज प्राप्त हो रहा है। और इनको अभी टैंकर्स को ट्रेन से अलग करके उतारा जाएगा रैंप के थ्रू, और उसी के लिए सारी तैयारी आज सुबह से करी गई है। ऐसा हमारी जरूरत कितनी है और हमें कितना मिल रहा है? हमें आज 45 मेट्रिक टन ये आ रहा है। इसके अलावा बाय रोड हमारे पास ऑक्सीजन टैंक आने के जो अलग अलग प्लान है उसके थ्रू हमें कुछ मिलता है, कुछ हमारे यहाँ ही एक ऑक्सीजन का प्लांट है उसके थ्रू हमें मिलता है। तो यहाँ 3 या 4 सोर्सेज हैं जिससे हमें शहर की जो जरूरत होती है वो शहर की और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी जरूरत नागपुर से पूरी होती है। सर, ये इसे किस तरीके से वितरित किया जाएगा अभी ये जो आया है इसे? देखिए, इसे वितरित करने की जो जवाबदारी है वो सब डिविजनल कमिश्नर सर और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पे प्लानिंग की गई है, तो उसी हिसाब से इनको उनकी उनकी डेस्टिनेशन पर भेजा जाएगा।